Hey guys, welcome back to my channel, Anjali Fashion. अब तो मैं आज आपके लिए ट्रेंडिंग कुर्ती लेकर आई हूँ, काफी फैशन में और ये बहुत सुंदर लगती है। आपने काफी सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा ऐसी कुर्ती वेयर करते हुए, तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ जिसे आप इजीली आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले फैब्रिक की बता दूँ, मैंने 3 मीटर अपना फैब्रिक लिया है और 3 मीटर ही मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है। तो मैं इसमें लाइनिंग ऐड करूँगी क्योंकि मेरा थोड़ा नेचुरल फैब्रिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है, ऊपर से 1/2 इंच मैंने शोल्डर का छोड़ा है। मैं योक लेंथ ले रही, 14 इंचेस मेरी योक लेंथ है, तो मैं 14 इंचेस मार्क कर लूँगी और एक इंच फ्राई का दे दूँगी। जो हमारा नीचे से वी शेप बनता है तो उसका पार्ट मैं बाद में आपको बताऊँगी, लेकिन मैं ऐसे निशान आपके लिए ही लगा रही हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अगर आपको नेक में प्रॉब्लम आती है कि डीप नेक में हमें कितना नेक लेना है, तो मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच, बस्ट है 9.5 इंच एंड वेस्ट है 8 इंच, ठीक है? तो 2 इंच की मैंने लूजिंग ऐड करी है, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब हमारा मेन पार्ट, तो जो आप वी शेप बनाते हैं ना, जो हमारा नेक वाला साइड है ना, जहाँ से भी हम लेंथ लेते हैं ना अपने टॉप की, ऊपर से योक लेंथ, तो मैंने 14 थी तो मैंने 14 से ऊपर 4 इंचेस पे डाउन किया है, ठीक है? 4 इंचेस इनफ है, ठीक है? 4 इंचेस पे डाउन निशान लगाने के बाद उसको हम तिरछा कर देंगे अपना, ठीक है? जहाँ भी हमारा मार्क आया था, जितनी भी हमारी वेस्ट थी, तो मेरी वेस्ट 8 पे मैंने मार्क किया था, तो मैं 8 पे उसको तिरछा कर दूंगी, ठीक है? याद रखना है आपको, नीचे से जहाँ भी हमने लेंथ ली है ना 14 पे, जितनी भी आपकी 15 हो 16 हो जितनी भी आपकी लेंथ हो, वहाँ से हमें 4 इंचेस पे डाउन करना है, ठीक है? और फिर उसको तिरछा कर लेना। बहुत सिंपल है यार, करोगे ना तो आपको इजीली आ जाएगा। इसके बाद मैं ऐसे ही आर्म होल के निशान लगा रही हूँ, वही आपको पता ही है कि आर्म होल फ्रंट में एंड 1/2 इंचेस अंदर लेते हैं और बैक में बाहर। और मैं नेक की विड्थ लूंगी 3 इंचेस, वो मैं आपको नेक बाद में बताऊंगी। और मैंने 1/2 इंच डाउन किया है शोल्डर का। मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूंगी और ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट। अब ऐसे ही हम बैक की कटिंग करेंगे। तो मैंने जो मेरा फैब्रिक था, मैंने फैब्रिक के ऊपर पहले अपना फ्रंट पार्ट रखा है, ठीक है? तो हम एज इट इज हमें ऐसे ही रख लेना है। फिर जो हमारा फ्रंट पार्ट की जो हमारी लेंथ थी ना 14 इंच, तो हम 14 इंच पे पहले मार्क कर लेंगे, 1 इंच नीचे से सिलाई का छोड़ेंगे, फिर उसको हम नीचे से हम जो हमने लेंथ का निशान लगाया 14 इंच, वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट। और ये देखिए हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है, हमारे लाइन हमारा लाइनिंग पार्ट है। अब इसको हम अपना मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है दोनों पार्ट की। अब हम इसमें अटैच करेंगे अपना लाइनिंग पार्ट, तो आप पिन की पिन भी लगा सकते हैं जिससे आपका हिले ना फैब्रिक सिलाई करते टाइम। और ये मैंने अटैच कर लिया अपना लाइनिंग पार्ट मेन फैब्रिक से, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग से ये अटैच हुआ है। अब मैं इसका नेक रेडी कर लूँगी, मैंने नेक पहले से बना लिया था। अगर आपको नेक नहीं आता बनाना तो मेरे चैनल पे अपलोड है वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं इसका देखिए मेरा नेक रेडी हो चुका है। अब मैं इस पर लेस ऐड करूँगी, तो जो लेस लगाने से ना इसका डिज़ाइन और प्यारा लगता है, तो मैं लेस लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने लेस लगा ली, लेस लगा कर देखिए और कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। मैं अपना बैक नेक भी रेडी कर लूँगी, बैक नेक में मुझे बॉट नेक रखना है इसमें, तो मैं इसके नेक की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और इसकी लंबाई है 2.5 इंच, और मैं इसमें पाइपिंग ऐड करूँगी। हमारा बैक नेक रेडी है, तो अब चलते हैं फ्लेयर पार्ट की तरफ। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? तो मैंने 4 इंच उस पर टॉप में ऊपर की तरफ डाउन किया था, तो मैं फ्लेयर पार्ट में नीचे की तरफ डाउन करूँगी। तो आपको सबसे आसान तरीका ये कि 4 इंच पर आपको निशान लगा लेना है, फिर जो ऊपर से जो पार्ट है ना उसको सेंटर पॉइंट से बिल्कुल तिरछा मिला लेना है, ठीक है? जो भी आपने 4 इंचेस पे मार्क करा उसको तिरछा, आपको दिख रहा होगा इसमें अच्छे से समझ आ रहा होगा, उसको बिल्कुल तिरछा कर लेनी है वो लाइन, ठीक है? अब जो है ना, अब हमें लेंथ का कैसे लेना है, तो हम इसकी लेंथ जो हमने 4 इंचेस पे मार्क किया है ना, वहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे।
तो मैं लेंथ इसकी 25 ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फुल लेंथ 45 थी, तो मैं अपना मेन पार्ट में 31 इंचेस लूँगी, लेकिन हम लाइनिंग पार्ट में थोड़ी कम लेते हैं लेंथ, तो मैं 25 पे उसकी लेंथ लूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं आप इसकी कटिंग कर दूँगी, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ऐसे ही मैं अपना बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। फ्रंट पार्ट को रखकर जो हमने 4 इंचेस मार्क किया, तो उसको पहले ऊपर की तरफ निकाल देंगे हम, जहाँ से हमने निशान लगाया था 4 इंचेस का, वहाँ से हम रखेंगे उसको, उसकी हम कटिंग कर देंगे। हम लाइनिंग पार्ट को अपना मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लूँगी मैं, बेल बॉटम स्लीव बना रही हूँ। अगर आपको स्लीव नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं एक स्पेशली स्लीव की वीडियो लेकर आ जाऊंगी आप सबके लिए। अब हम सबसे पहले टॉप पार्ट के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन हो चुके हैं, शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब मैं स्लीव ऐड करूंगी इसमें। फ्लेयर पार्ट में अपने गैदर्स डालूंगी, मैंने एक सिलाई लगा लिया, उस धागे को फिर मैं खींचूंगी, उससे काफ़ी अच्छे गैदर्स आते हैं। अब मैं इसमें गैदर्स ऐड करूंगी, ये देखिए गैदर्स कितने सुंदर गैदर्स आए हैं। अब मैं इसमें अपने टॉप पार्ट में अटैच करूंगी। तो फ्रंट पार्ट का गैदर्स है ना फ्लेयर पार्ट, तो उसको पहले हम बीच सेंटर पॉइंट से निशान लगा लेंगे, टॉप में भी और अपना फ्लेयर पार्ट में भी। ठीक है, तो पहले हम निशान लगाने के बाद उसको एज इट इज़ वहाँ से सेंटर पॉइंट से रखेंगे और फिर हम उसमें सिलाई लगा लेंगे। अपना फ्लेयर पार्ट भी मैंने टॉप से जोड़ लिया है, जो मैंने नेक पे लेस लगाई थी वही लेस मैं नीचे लगाऊंगी अपना योक पार्ट पे, तो लेस से काफ़ी सुंदर लुक आता है। इसके बाद मैं लेस लगाने के बाद साइड की सिलाई लगा दूंगी, इसके बाद मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ उसका।